गुड आफ्टरनून क्लास. आज प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में, कर्व्ड सरफेसेस. तो आज हम बात करेंगे सफेरिकल मिरर्स. तो सफेरिकल मिरर्स जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर. एक स्फीयर है, उसी का एक पार्ट होगा आपका, दैट इज योर सफेरिकल मिरर. करेंगे क्या, जो स्फीयर का सेंटर होगा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल होगा जो आपके मिरर का सेंटर होगा. द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ इफ द योर मिरर इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, अगर आपका मिरर जो है इट इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड एंड योर इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन इज इनर सरफेस, द मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर. एंड इसका रिवर्स, अभी इसकी इनसाइड जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं साइड होगा, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है. दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज पोल. लाइन ज्वाइनिंग इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज इमेजिनरी एक्सिस होगी. अगर आपका मिरर को पॉलिश फ्रॉम इनसाइड एंड योर आउटर पार्ट, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर आपका होगा जिसमें आपकी इनर जो साइड होगी दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर साइड इज पॉलिश्ड. कन्वेक्स मिरर में आउटर साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी एंड जो इनर साइड होगी दैट इज पॉलिश्ड. कुछ रेज की स्टडी करते हैं, बिकॉज हमने रे डायग्राम्स हमने पढ़नी है. द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट. प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. सो पहली चीज आपने याद रखनी है कि जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी जो कट करेगी वो प्रिंसिपल फोकस पे. ये पैरेलल रे कहाँ कट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे. ये अनदर पैरेलल रे विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट प्रिंसिपल फोकस, अनदर पैरेलल रे. द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज नॉर्मल, विल ट्रेस आउट द सेम एंगल. इट मीन्स जो एंगल ये होगा वही एंगल. तो अगर दो रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद मीट करें तो वो जो डायग्राम होगी, वो जो आपकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी दैट इज रियल इमेज. और अगर आपस में इंटरसेक्ट ना करें द इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज. सो रे डायग्राम का नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम. आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच.